हेलो स्टूडेंट, दिस इज उमेश एंड आप देख रहे हैं क्लास एट्थ की साइंस सिंथेटिक मटेरियल लेसन नंबर 3। आज इसके हम वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को डील करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? तो इसका आंसर है, ए पॉलीमर विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। वो पॉलीमर जो कि क्या करते हैं, पतले होते हैं और लॉन्ग थ्रेड होते हैं फाइबर की तरह, उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। दूसरा है, विच ऑफ टू फाइबर्स आर ब्लेंडेड टू ऑब्टेन टेरिकोट? तो इसका आंसर होगा टेरिलिन एंड कॉटन। ये दो फाइबर्स होते हैं जो कि टेरिकोट बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बैकलाइट? कि बैकलाइट का जो इन्वेंट है वो किसने किया था? तो ल्यू वैकलेंट, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैकलाइट का इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन नॉट बी प्रोसेस्ड अगेन एंड अगेन? यानी कि किस टाइप के प्लास्टिक जो होती है वो प्रोसेस में नहीं ली जा सकती अगेन एंड अगेन? तो इसका आंसर होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, इसको बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता। अब आता है शॉर्ट क्वेश्चन पर। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर? पॉलीमर के कौन कौन से टाइप होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है, पॉलीमर आर टू टाइप्स, पॉलीमर दो टाइप के होते हैं। द पॉलीमर्स विच अकर इन नेचर और कॉल्ड नेचुरल फाइबर, या वो पॉलीमर्स यानी कि वो पॉलीमर्स जो कि नेचर में मिलते हैं यानी कि प्राकृतिक होते हैं वो हमारे नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं, और जो लेबोरेटरी में बनते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह मिलाकर वो हमारे मैन मेड पॉलीमर्स कहलाते हैं, या सिंथेटिक पॉलीमर्स भी कह सकते हो। तीसरा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट का, इंसुलेटेड विद अ सिंपल डायग्राम इज लीनियर पॉलीमर एंड अ क्रॉस लिंकड पॉलीमर। तो ये इसका डायग्राम है, लाइनर पॉलीमर एंड ये ऊपर वाला लाइनर पॉलीमर का है और ये क्रॉस लिंकिंग का है। ठीक है, अगला है, लिस्ट ऑफ यूजेस ऑफ नायलॉन, नायलॉन के यूजेस बताओ। तो नायलॉन के आंसर नंबर 3 ये है, इसके 3 यूजेस हैं। ठीक है, इसके 3 यूजेस हैं। पहला यूजेस क्या है कि फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर क्रॉड फैब्रिक्स एंड रोप्स। पहला जो टायर इसका यूज़ है वो किसमें है, कॉर्ड बनाने में, फैब्रिक बनाने में और रोप्स बनाने में। दूसरा क्या है, फिशिंग नेट और पैराशूट रॉप, फिशिंग नेट और पैराशूट रॉप बनाने में। तीसरा क्या है, मेकिंग साड़ी शॉक्स एंड नेकेट्स बनाने में। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स या प्लास्टिक्स विच मेक देम एक्सेप्टेबल टू द यूजर्स। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 है, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स अलॉन्ग विद गैसेस एंड केमिकल कंपाउंड। यानी कि जो पहला इसका प्रॉपर्टी है कि जो सिंथेटिक पॉलीमर बनाए जाते हैं वो पेट्रोलियम ऑयल और उसके साथ साथ गैस और केमिकल कंपाउंड को मिलाकर बनाया जाता है, पॉलीमराइजेशन किया जाता है उनका। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी सम ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सिंथेटिक पॉलीमर इंक्लूड पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन 6 मे एंड मैनी मोर। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। तो पहला आंसर है हमारा, क्वेश्चन है, व्हाई आर सिंथेटिक पॉलीमर्स मेड, लिस्ट देयर एडवांटेजेस। यानी कि पॉलीमर्स क्या होते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं और लिस्ट बताओ उसके एडवांटेजेस की। ठीक है, तो पढ़ते हैं, द पॉलीमर विच आर मेड इन लेबोरेटरीज फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक पॉलीमर्स, फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रियॉन एंड टेफ्लॉन। ठीक है, ये मैंने ऊपर बता दिया, इसके एडवांटेजेस देख ले रहे। पहला है, दे डू नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं कह सकते। दूसरा है, दे आर क्विक ड्राई, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, एंड दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, यानी कि इनको आयरनिंग करने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड वॉश एंड वेयर फैब्रिक, यानी कि इस टाइप से ये जो इसलिए ये कहलाते हैं कि इनको वॉश करो एंड यानी कि वॉश एंड वेयर फैब्रिक दो और पहनो। ठीक है, तीसरा क्या है, दे लास्ट लॉन्ग एंड एज कम्पेयर टू द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। ठीक है, दे लास्ट लॉन्ग एज कम्पेयर्ड टू फैब्रिक फ्रॉम नेचुरल, ये क्या है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उससे ज़्यादा तक चल जाते हैं, ज़्यादा टाइम तक इसकी लाइफ स्पेंड होती है, ज़्यादा टाइम तक ये चल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है,
हाउ डज अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल डिफर फ्रॉम अ थर्मोसेटिंग मटेरियल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग मटेरियल। इनके थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग मटेरियल क्या होते हैं? इनके थर्मोप्लास्टिक कैन सॉफ्ट एंड गेट डिफॉर्म्ड व्हेन हीटेड, बेंड इजली। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिमाइंडेड एज मेनी टाइम्स एज डिजायर्ड, फॉर एग्जाम्पल पीवीसी पॉलीथीन। यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो सॉफ्ट होता है और क्या होता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, और ईजली बेंड हो जाता है, जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होता है, वो ये होता है कि डू नॉट गेट द फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, इंस्टेड दे हार्डन वन सेट। दिस प्लास्टिक कैन नॉट बी रिशेप्ड, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जो कि बहुत, मतलब एक बार सेट होने पर उनको क्या है, बार में दोबारा रिसेट नहीं किया जा सकता, यानी कि रिशेप नहीं किया जा सकता रीशेप में लाकर, ठीक है। बैकलाइट और मेलामाइन जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। लॉन्ग आंसर थ्री है हमारा क्वेश्चन है, मेंशन फ्यू प्रॉब्लम एसोसिएट विद द एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर प्लास्टिक का वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो वी यूज शॉपिंग बैग्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर फॉर कैरिंग गुड्स। यहाँ पर है गुड जो है एस भी लगाने ना, गुड्स ये गुड्स अच्छा वाला गुड्स नहीं है, यहाँ जो गुड्स का यूज़ हुआ है यहाँ पर हमारा कोई प्रोडक्ट परचेजिंग के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। दिस बैग्स आर ऑफन थ्रो आउट, और हम उसको यूज़ करके क्या करते हैं, बैग को फेंक देते हैं, ठीक है, कहीं भी। सच डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग कॉज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो हम करते हैं या ये जो डिस्पोजल्स होते हैं प्लास्टिक बैग्स का, ठीक है, तो वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं। इसमें सॉइल पॉल्यूशन है, ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन है, ठीक है, यानी कि सॉइल का पॉल्यूशन तो होता ही होता है, और जो नाले वगैरह होते हैं वो भी ब्लॉक्स हो जाते हैं, सिविल लाइंस भी ब्लॉक्स हो जाती हैं, और जो प्लास्टिक्स वगैरह से जो मटेरियल है वो एनिमल खाते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है। और क्या, रिड्यूस द पर्कोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, यानी कि जो हम पानी सॉइल में डालते हैं तो अंदर जाके उसको उपजाऊ बनाता है, जब ये प्लास्टिक वगैरह यूज़ होती है वो सॉइल के अंदर चली जाती है, बट इस वजह से उसकी उर्वरा शक्ति यानी कि जो उसमें खेती बाड़ी होती है वो भी, उसको भी लॉस होता है, वो भी नहीं हो पाती ढंग से, ठीक है। सो अब हॉट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। सर्टेन प्लास्टिक आइटम्स आर कॉल्ड अनब्रेकेबल, यानी कि कुछ प्लास्टिक मटेरियल जो आइटम्स होते हैं वो अनब्रेकेबल कहलाते हैं। वो व्हाट इज़ दिस मटेरियल, वो क्या मटेरियल होते हैं, उनका राइट फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। तो जो द अनब्रेकेबल प्लास्टिक्स होते हैं वो मेड फॉर, कहाँ किस चीज़ से बनते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनते हैं, पॉलीथीन से बनते हैं, एंड पॉलीप्रोपाइलीन से बनते हैं, ठीक है, पीपी से बनते हैं, पीवीसी और पीई से बनते हैं। सेकंड था हमारा, व्हाई आर हैंडल ऑफ किचन यूटेंसिल्स मेड ऑफ बैकलाइट, यानी कि जो किचन में जो ज़्यादातर जो हैंडल्स होते हैं, जैसे कुकर का हैंडल हो गया और जितने भी हमारे हैंडल्स बने होते हैं किचन में जो यूज़ करने वाले, तो वो किस चीज़ के बने होते हैं। बैकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर, यानी कि बैकलाइट एक पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसलिए क्या है, जब हम कोई गर्म चीज़ पकड़ते हैं जैसे कुकर होता है या फ्राई पैन होता है वो, ठीक है, तो उसका जो हत्ता होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, वो बैकलाइट का बना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बैड कंडक्टर होता है, यानी कि वो उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसलिए ज़्यादातर उसके ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर थर्ड ख़त्म हुआ, और आप लोगों के ऑनलाइन यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो लेसन्स पढ़ाए गए हैं लेसन नंबर 1, 2, 3 एंड ये जो फोर्थ लेसन भी आपके यूनिट फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है, तो आप इस लेसन को डीपली पढ़ना, एक्सरसाइज को कई कई बार 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 उसको रिवाइज़ करना, क्योंकि MCQs आपके एक्सरसाइज में से फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, ट्रू फॉल्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इन सब में से ही मिलकर आपके और लेसन के अंदर से भी आपके जो है MCQs बन के तैयार किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप डीपली पढ़ लेना। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।